अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पे बोलना शुरू करूँ उसके पहले अध्यक्ष महोदय, ये जो आज मोहल्ला क्लिनिक की बात उठी थी, मेरे पास मॉर्निंग में दो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स का फ़ोन आया कि जो हमारे बिजली काटने वाले हैं। तो मैं आपके जरिए संज्ञान में लाना चाहता हूँ सदन के, कि मोहल्ला क्लिनिक्स के बिजली कनेक्शंस कट रहे हैं फॉर ड्यूज, बिकॉज ड्यूज आर पेंडिंग, तो इसका संज्ञान लें। अध्यक्ष महोदय, आज साथियों ने बहुत डिटेल में हर एस्पेक्ट पे इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत है दिल्ली में, उस पर चर्चा की। आज कुछ देर पहले मुझे मालूम पड़ा, स्वाति जी से खुद मालूम पड़ा, किस प्रकार से उन्होंने कल एम्स के बाहर जब वो खड़ा हुई चेक करने के लिए कि भी किस प्रकार से स्थिति बदली है, क्या अंजलि वाली घटना से दिल्ली ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, दिल्ली पुलिस ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, क्या भाजपा जगी है या नहीं जगी है। तो कल जब वो खड़ी हुई वहां, तो बता रहे हैं कि कई बार गाड़ियां रुकी कि आप चलो, आप मेरे साथ चलो। जब उन्होंने मना किया तो एक गाड़ी दोबारा घूम करके आई और उनका हाथ पकड़ के खींचने का प्रयत्न किया। इसको पूरा वीडियो में कैप्चर किया गया। और एम्स जैसी जगह पर कोई पीसीआर वैन या कोई सिक्योरिटी की उपलब्धता नहीं थी। वैसे तो मैं दाद देना चाहूंगा स्वाति मालीवाल जी की, कि डीसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन के रूप में इस प्रकार की जो उन्होंने प्लान की खुद कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, तो इसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहिए कि अपने जान की बाजी लगा करके और जोखिम भरा काम किया उन्होंने, तो इसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं सदन की तरफ से उनको। अध्यक्ष महोदय, अभी विनेश फोगाट करके वो जो रेसलर्स एसोसिएशन है, वो भी वहां अभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और साफ साफ सभी लोगों ने इस बात को रिकॉर्ड पर लाने का प्रयत्न किया, किस प्रकार से भाजपा के एक सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने मोलेस्टेशन का एक्विजिशन लगाया है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस व्यक्ति ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर पहले भी एलिगेशंस हैं, भाजपा का सांसद है, क्या यही क्राइटेरिया रह गया है कि आप वहां बने रहेंगे, कुछ भी करते रहिए बने रहेंगे। मुझे याद आ रहा है जब हम छोटे थे तो रामानंद सागर जी की जो रामायण आती थी, उसमें जब रावण बद्ध हो रहा था तो उसका एक सिर मारो वो फिर भी रावण हंसता है, वापस आ जाता है सिर, दूसरा मारो फिर भी वो रावण हंसता है, वापस आ जाता है सिर। तो मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों ने बार बार कभी इस अधिकारी को, कभी उस अधिकारी को, कभी इस विभाग को, उस विभाग को जो लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मेजर सिर एलजी साहब है। अगर ये सारे इनफैक्ट अगर वो कहें, एक कदम और आगे जाएं, तो भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि उन्हीं के इशारे पे इस तरह कार्यक्रम हो रहा है। तो जब तक भाजपा के मोदी जी के संज्ञान में तो बात आई है, जब तक वहां से इस बात की खबर नहीं ली जाए कि भाई दिल्ली के अंदर औरतें असुरक्षित हैं, दिल्ली की सरकार काम करने में रोकी जा रही है, तो सब कुछ का जेनेसिस जो है वो भाजपा के मोदी जी हैं। अध्यक्ष महोदय, तो ये आज के तारीख में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है तो दिल्ली पुलिस क्या करे। मेरे साथियों ने भी कहा कि थाना लेवल कमेटी का नहीं हुआ फॉर्मेशन। अब एक ही नोटिफिकेशन है, मैं उसको देख रहा था, लीगली भी देख रहा था कि एक ही नोटिफिकेशन से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनती है और उसी नोटिफिकेशन से थाना लेवल कमेटी बनती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बन गई, क्यों? क्योंकि उनके जो सात सांसद हैं दिल्ली में, वो सातों के साथ बीजेपी के हैं। थाना लेवल कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो सारे एमएलए होते हैं। ये बहुत बढ़िया चल रहा था जब हम फर्स्ट टाइम एमएलए बन के आए थे, उस वक्त क्षेत्रों के अंदर सारे एसएचओ को बुला करके जिस प्रकार से बात पूछते थे कि भाई इस पे काम नहीं हुआ, उस पे काम नहीं हुआ। तो अगली बार यानी कि 2015 में सरकार बनी तो थाना लेवल कमेटी को इन्होंने डिसमेंटल कर दिया। हमने बार बार इस बात को उठाया
और ये इलीगल भी है। कानूनन अगर एक ही नोटिफिकेशन से दो चीजें होती हैं और एक को कंटिन्यू करो एक को डिसकंटिन्यू करो, ये तो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में निर्भया हुआ, उसमें बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत सारे नए कानून बने, लेकिन आज तक स्थिति वहां की वहीं बनी हुई है। मैं अपने क्षेत्र से एक आपको उदाहरण देता हूं। एक महिला, उनकी माइनर बच्ची गायब हो गई। अब माइनर बच्ची के गायब होने के बाद उन्होंने पुलिस से खूब चक्कर लगाया, हम भी वहां गए, हमने पुलिस से बातचीत की, डीसीपी से बातचीत की, उसके बाद यहां तक कि हमने हैबियस कॉर्पस पिटीशन डाला दिल्ली हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, आज 6 महीना हो गया है, वो माइनर बच्ची अभी तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है। विडंबना यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की भतीजी का पर्स गायब हो जाए तो कुछ घंटों में सोनीपत से ले आते हैं दिल्ली पुलिस वाले, लेकिन एक माइनर बच्ची गायब हो तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पिछले 6 महीना से वो बच्ची गायब है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से राखी ने कहा कि करीब करीब एक ही समय दो महत्वपूर्ण घटना घटी इस देश में, एक केजरीवाल जी के रूप में दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में एक नया शासन आया, माननीय मोदी जी के रूप में एक नया प्रधानमंत्री देश को मिला। जो जो विभाग माननीय केजरीवाल साहब के हाथ में आया, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, उसमें ऐसे काम हुए कि पूरे देश में, क्या पूरे विदेशों के अंदर भी इसकी चर्चा है। दूसरी तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और दिल्ली में खास करके दिल्ली पुलिस, लैंड लॉ एंड ऑर्डर, जो तीनों केंद्र सरकार के पास है, डिटेरियोरेशन इतना हुआ है लॉ एंड ऑर्डर में, आज बच्चियां, महिलाएं, बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं बाहर निकलने से। ये अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि हम सारे विधायक गए थे सीपी साहब से मिलने के लिए। जब हमने वहां पूछा कि भाई 12 किलोमीटर तक जिस बॉडी को घसीटा गया, इसमें 302 क्यों नहीं लगा, उनके पास जवाब नहीं था। जिन अधिकारियों ने उसको बचाने का प्रयत्न किया, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया, उनके पास जवाब नहीं था। साफ साफ दिख रहा था कि चूंकि उन दरिंदों में एक व्यक्ति भाजपा का है और इसी कारण से पूरी दिल्ली पुलिस को लगा दी गई है कि भाई अगर भाजपा के, अच्छा टीवी चैनलों का भी, वो कल भगवान मान जी बोल रहे थे वहां तेलंगाना में कि माननीय मोदी जी ने सब कुछ बेचा, बेल बेचा, रेल बेचा, सब बेचा, लेकिन एक चीज खरीद लिया, मीडिया खरीद लिया, मीडिया खरीदा और बाकी सब बेचा। मीडिया ने भी इस बात को दिखाने का प्रयत्न नहीं किया कि एक उन दरिंदों में एक दरिंदा भाजपा का है, इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है। यहां तक उत्तराखंड का जो मंत्री का बेटा था उत्तराखंड में, उस बच्ची की के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की, उसकी चर्चा तक नहीं। तो जिस प्रकार से हर तरफ भाजपा का इमेज खराब ना हो जाए, भाजपा के इमेज में दाग ना लग जाए, भाजपा जो झूठी बार बार ये दावा करती है कि हमारे यहां अब बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ढकोसला साबित हो रहा अध्यक्ष महोदय। और भाजपा का आज ये हाल है जो बंदर चिड़िया घोंसले का था, वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी और कहा कि भाई, बंदर को बोला आप क्यों बारिश में भींग रहे हो, छाए में यहां किसी और किसी पेड़ के नीचे आ जाओ जहां बच जाओगे। बंदर ने कहा अच्छा तू हमें शिक्षा देती है, हम तेरी भी करते हैं। उसी प्रकार से बंदर ने उसका सारा वो हौसला नोच लिया और कहा तू भी भीग। तो जो यहां पे चल रहा है दिल्ली के अंदर, एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मेडिकल रिफॉर्म्स, इससे सीखने के बजाय, बंदर तो पहचान लो बंदर कौन है, सीखने के बजाय कि भाई अपनी लाइन लंबी करें, इनसे सीखें,
अभी मतलब आप देखें अखबार के अंदर न्यूज़ में आ रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति को अपनी बूढ़ी माँ को ले जाना पड़ा अपने कंधे पे, उनके पास एम्बुलेंस तक नहीं है, किसी को खाट पे ले जा रहे हैं, किसी को साइकिल पे ले जा रहे हैं। तो भाजपा शासित प्रदेशों में जो जो हालत है गवर्नेंस की, वहाँ अगर केजरीवाल जी के हेल्थ के मॉडल से सीखते तो देश के लिए बेहतर होता, स्कूल के मॉडल सीखते तो देश के लिए बेहतर होता। लेकिन सीखने के बजाय जो यहाँ के आज मॉर्निंग से मैं सुन रहा था, किस प्रकार से अधिकारियों को लगा करके, चीफ सेक्रेटरी को लगा करके हर तरफ पंगु बनाने का प्रयत्न किया। एमसीडी चुनाव के पहले उन्होंने हर वो प्रयत्न किया जिससे कि एमसीडी में उसका प्रभाव लिया जा सके। यहां तक मुख्यमंत्री साहब ने कहा, भी सदन के अंदर कहा कि एलजी महोदय ने खुद कहा कि इनकी तो संख्या 20 की आ रही थी, ये तो हमारा फल है 104 इनके आगे चुनकर। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है अध्यक्ष महोदय? तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, और यहां अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में शिक्षा एक बदलाव कर सकता है। अच्छी शिक्षा मेंटल साइकोलॉजी को डेवलप कर सकता है अच्छे की तरफ। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी ने जो एजुकेशन में रिफॉर्म शुरू किया है वो लॉन्ग टर्म प्लान है क्रिमिनलिटी को और क्राइम को कम करने का। अगर क्रिएटिव रूप में एंगेज नहीं करेंगे यूथ को तो क्राइम बढ़ेगा, लेकिन भाजपा का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इकलौती सरकार है पूरे हिंदुस्तान में अरविंद जी की, जिसने शिक्षा के माध्यम से माइंडसेट क्यूरिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप क्यूरिकुलम, बहुत क्रिएटिव जो स्कीम्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, जिसके जरिए कंस्ट्रक्टिव रूप में एक आज ऊर्जा को एक दिशा देने काम किया है। इससे सीखते भाजपा वाले, अगर उनको तनिक चिंता होती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है कंक्लूड कर कि भाजपा ने फैसला कर लिया है कि ना वो खुद भला करेंगे देश का, ना किसी को करने देंगे। आज बहुत निंदा का विषय है इस प्रकार से अधिकारियों का दुरुपयोग करके हमारे काम रोके हैं उन्होंने, हमारे फंड रोके हैं उन्होंने, और जो काम इकलौता उनका है लॉ एंड ऑर्डर का, उस पर कोई काम नहीं कर रहे, ना तो रिफॉर्म कर रहे हैं ना फंड की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हाँ, जो केजरीवाल जी के पास था कि दिल्ली को सिक्योर कैसे किया जाए, वुमेन सिक्योरिटी पे कैसे काम किया जाए, उस पर उन्होंने काम किया। आप देखें 4.5 लाख कैमरे दिल्ली में लगे, आज दिल्ली जो है पूरे दुनिया में मोस्ट प्रोटेक्टेड सिटी है पूरे दुनिया के अंदर। आज जिस प्रकार से हमने बसों में मार्शल लगाया, बसों को इक्विप किया, बसों के अंदर हमने पैनिक बटन लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, इन सारी सुविधाओं को हमने देने का प्रयत्न किया, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की जो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर वो लचर साबित हो रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, राजनीतिक इनके पास विल नहीं है कि इसको करेक्ट किया जाए। इसी कारण से आज दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं असुरक्षित हैं। इसकी मैं निंदा करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप इन बातों को कमिश्नर पुलिस के पास पहुंचाएं, होम मिनिस्टर के पास पहुंचाएं कि सदन की ये इस प्रकार से यहां विचार रखे गए और इस पे काम किया जाए। धन्यवाद।